स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में रखा गया, जिसमें नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर 6 नंबर स्टॉप हॉर्कस कॉर्नर को स्वच्छता एवं सफाई रखने पर विशेष पुरस्कार दिया गया एवं मार्केट को और स्वच्छ रखने के लिए निगम द्वारा राशि भेंट की गई। मार्केट के अध्यक्ष खालिद खान द्वारा मीडिया को इस प्रशंसनीय कार्य हेतु एवं मार्केट के समस्त दुकानदारों एवं रहवासियों का स्वच्छता को लेकर आभार प्रकट किया एवं यह अपील की कि हम मार्केट एवं समस्त अपार्टमेंट को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखेंगे। मार्केट के अलावा जो निगम को हमें करके देगी उसके बारे में हमें कमी रखेगी। अब भी हम लोग प्रयास ये रहेगा जो डस्टबिन जैसा हमारे सेम भाई ने कहा तो बड़े डस्टबिन रखा जाए, ताकि होता क्या है कि जो छोटा डस्टबिन भरा जाता है बोला हुआ कहते हैं आप जो छोटी बिच के ले जाते हैं वो हमें गंदगी शो कर देते हैं। अब देखिए अभी हमें प्रयास ये रहता है कि डब्बे के अंदर ही रहें। कुछ लोग ऐसे आप यहाँ मावा बाटी खा रहे हैं एक बार या कोई छोली टिकी या कुछ भी ले रहा है तो उसको सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत आती है पानी की। पता लगा 20 रुपए का वो खाना खाया है, हमारे पानी की मशीन लगी है, जम्बो आरो जो होता है ना वो लगवाएंगे और हम 4 लाख को हम ऐसा व्यवस्थित तरीके से खर्च करवाना चाहते हैं निगम से, ताकि यहाँ आपस में न आम पब्लिक को जो है किसी तरह की परेशानी हो, सभी को यहाँ पर सुविधा हो जाए, साफ सफाई भी हमारी बनी रहे और हम लोगों की दुकानें व्यवस्थित। अध्यक्ष जी, राशि को लेकर निगम से कोई आपकी कोई डिमांड है? निगम से हमारी डिमांड है ना, पहले भी हमारे कमिश्नर साहब से चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा आप दुकानें आपकी व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ झूम लगवा देंगे, फर्श ये पूरा पक्का करवा देंगे, पीछे साइड दीवाले विवाले सब खुल जाएंगे, नालियाँ साफ होंगी, हमारे के लिए मदद मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हमारे के लिए स्पेस पड़ा है खाली, नहीं आप बोलो ना, थोड़ा सबसे बोलना पड़ता ना भाई, बोलना बचिस कार्ड जो है बचिस कार्ड के पीछे हम लोगों ने दिखाया जाए तो पूरा देखिए पूरा देखिए बोलिए बचिस कार्ड के पीछे साइड में हम लोगों ने पार्किंग की जगह दिखाई है कमिश्नर साहब, तो उन्होंने कहा है हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग यहाँ पर स्वच्छता को लेकर 6 नंबर हॉकर्स के माध्यम से आप अध्यक्ष हैं तो आप भोपाल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे, पहली बार तो जो हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं हमारा उनसे सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने जहाँ जो प्लेटें जो अपने कटोरियाँ हैं जो भी है खाएँ और डस्टबिन में उसको डालें, तो जहाँ पर भले उनके खाते हैं उसको वहाँ 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 ना फेंकें। दूसरी बात ये कि जहाँ व्यवस्थित तरीके से खड़े होने के लिए कहीं कुछ अव्यवस्थाएँ हैं हमारे यहाँ पर उसको हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अरे अगर आप देख रहे हैं थोड़ी सी हम उसको सुधारने की कोशिश करें, मगर निगम हमारी मदद करेगा तब। हम निगम से हम यही उम्मीद रख रहे हैं, कमिश्नर साहब से हमारे यही उम्मीद रख रहे हैं, जैसा उन्होंने अपने यहाँ हम लोगों के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग अपने शेड डाल सकते हैं तो हम लोगों ने डाल लिए, तो व्यवस्थित होने से हम लोग साफ सुथरे से दिखने लगे। तो अगला प्रयास हम लोगों का ये कि नगर निगम हम लोगों के क्योंकि क्या है पहले हम लोग यहाँ पन्नियाँ बांधते हैं, अब हमारी लगभग पन्नियाँ खुल गई जिससे गंदगी भी दिखना खत्म हो गई, उन्होंने कहा था ये पन्नियाँ खुल जाएंगी हम लोग टीम लगवा दें, तो हमारा प्रयास अभी है, निवेदन है हमसे, हमारा नगर निगम से भी निवेदन है, प्रशासन से भी है कि जल्द से जल्द ये ढूंढ लगवाएं, ताकि जल्दी बारिश का मौसम आने वाला है, एक तो धूप और दूसरी